अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ मज़ेदार से चिकन कोफ्ते की रेसिपी शेयर करूँगी। आपने वीडियो को एंड तक देखना है और रेसिपी को आपने अच्छे से फॉलो करना है। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। आज मैं आपके साथ चिकन कोफ्ते की रेसिपी शेयर करूँगी। ये हमने चिकन का कीमा ले लिया है। अब इसमें हम ये बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ले लेंगे, बारीक कटा हुआ प्याज ले लेंगे, वो इसमें हम डाल लेंगे। एक चम्मच इसमें हम लहसुन अदरक कुटा वो डाल लेंगे। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं, हाफ टी स्पून इसमें हम हल्दी डालेंगे, 1 टीस्पून इसमें हम ये लाल मिर्च डालेंगे, 1 टीस्पून इसमें हम पिसा धनिया डालेंगे, 1 टीस्पून इसमें हम नमक डालेंगे और 1 चम्मच इसमें हम घी की डाल देंगे। दो चम्मच इसमें हम भुना हुआ बेसन डालेंगे, आप चाहें तो चने भी डाल सकते हैं। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपका बैटर पतला है तो आप इसमें बेसन और भी ऐड कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा ये लेंगे और इसके हम बॉल्स डालेंगे। इस तरह से हम इसकी बॉल्स डालेंगे। इस तरह से बॉल्स बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसे हमने कोफ्तों की शेप बना ली है। यहाँ पर हमने एक पैन ले लिया और यहाँ पर हमने कुकिंग ऑयल गर्म कर लिया। अब इसमें हम डाल लेंगे और इसको हम हल्की आंच पे फ्राई कर लेंगे। और इसको हम हल्की आंच पे अच्छे से इसको हम फ्राई कर लेंगे। कोफ्ते अच्छे से फ्राई हो गए, अब इसको हम कुकिंग ऑयल से निकाल लेते हैं, बाकी सब हम फ्राई कर लेते हैं। ऐसे हमने कोफ्ते को फ्राई कर लिए। यहाँ पर हमने एक पैन ले लिया, अब इसमें हम कुकिंग ऑयल डालेंगे। इसमें हमने कोफ्ते फ्राई किए थे वही ऑयल ले लेंगे हम। अब इसमें हम प्याज डाल लेते हैं, हमने इसमें प्याज डाल दिया, प्याज को हमने फ्राई कर लेना है अच्छे से। जब तक प्याज फ्राई हो रहा है यहाँ पर हमने एक बॉल ले लिया, यहाँ पर हम 1 टीस्पून लाल मिर्च डालेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी डाल देंगे, 1 टीस्पून पिसा धनिया डाल देंगे, 1 टीस्पून इसमें हम पपरिका पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा इसमें हम पानी डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, थोड़ा सा और डाल देते हैं पानी इसमें। अब इसको हम साइड पर कर लेते हैं। प्याज फ्राई हो गया, अब इसको हम ऑयल से निकाल लेंगे। ऑयल से हमने प्याज निकाल दी, अब इसमें हम लहसुन अदरक डालेंगे, इसको हम फ्राई कर लेंगे। इसको हमने अच्छे से फ्राई कर लिया, अब इसमें जो हमने मसाला डाला था वो इसमें हम डाल लेंगे।
और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। वन टीस्पून इसमें हम नमक डालेंगे, इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, मसालों को अच्छे से पकने देंगे। यहाँ हमने प्याज ले लिया, उसको ग्रेट कर लेंगे। अब इसमें हम 2 चम्मच दही के डाल लेंगे, इसको ग्रेट कर लेते हैं। मसालों को हमने अच्छे से भून लिया, हमने यहाँ पर टमाटर ग्रेट कर लिए, इसमें हम डाल लेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जो हमने प्याज ग्रेट किया था वो इसमें हम डाल देंगे और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसको हम कवर करके हल्की आंच पर इनको अच्छे से टमाटरों को पकने देंगे। टमाटर अच्छे से पक चुके हैं, अब इसमें हम कोफ्ते डाल देंगे। अब इसमें हम 1 गिलास पानी डालेंगे और इसको हल्की आंच पर कवर करके इनको पकने देंगे अच्छे से। अंदर से कोफ्ते बनकर रेडी हो गए। अब इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्ची डाल लेंगे। अब मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए मज़ेदार से कोफ्ते बनकर रेडी हो गए, बहुत ही मज़े के टेस्टी बने। कमेंट्स में बताना आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर दें। ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। जज़ाकल्लाह हाफिज़।